दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग पर। मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों हमारा YouTube चैनल आप सभी को वो हकीकत दिखाने की कोशिश करता है जो सच्चाई कोई नहीं दिखाता, कोई न्यूज़ चैनल दिखाना पसंद नहीं करता है। आज जितने भी TV चैनल्स हैं आप कोई भी देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती के अलावा जो है कोई बेरोजगारी, कोई जॉब की समझ लीजिए बात ही नहीं कर रहा है। सब जो है अपनी TRP के चक्कर में और इन्हीं न्यूज़ को लेकर के खड़े हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा जिस मुद्दे पर योगी जी के कान पर भी जू नहीं रेंग रही हैं, लेकिन ये समस्या जो है बहुत बड़ी हो सकती है सरकार के लिए भी, क्योंकि वैक्सीनेटर और सहायकों की संख्या इतनी कम नहीं है। अगर वो भी धरना पर आ गए और भाई अगर उनको नहीं मिलता है, उनका अधिकार नहीं मिलता है, और कोरोना के बाद अगर वो भी धरना पर आ जाते हैं तो सरकार को ये समस्या का सामना कर ना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि वैक्सीनेटर सहायक कोई एक राज्य में भर्ती नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती कराई गई है। तो ये बहुत बड़ा जो है समस्या में आ सकती है सरकार। तो अभी तो ये कई बार हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, हमने पर्सनल अपनी ID से, आप जा करके देख सकते हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग की ID से आप देख सकते हैं, मैंने कई बार सैलरी के लिए जो है खुद ट्वीट किया है, लेकिन कोई भी जवाब ही नहीं आता है सरकार की तरफ से। इनके विभाग को कम से कम ये तो बताना चाहिए कि हम मैं दूंगा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो क्यों नहीं दूंगा, और अगर देना है तो कब तक देना है, उस पर कोई ना कोई विचार अपना बताना चाहिए, कोई तर्क वितर्क बताना चाहिए, लेकिन ये कोई भी जवाब जो है देना पसंद नहीं करते हैं। मैं आप सभी वैक्सीनेटर सहायकों से कहना चाहूँगा, या फिर जो भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो किसान भाई हों, जो भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मुझे देखते हैं और जो भी अंकुर तिवारी को जानते हैं, मैं सबसे ये बात ही कहना चाहूँगा ज़रूर कि इस वीडियो को फैलाइए और सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों जितने भी जगह हो वहाँ पर आप इस मुद्दे को, जो भी सरकारी जैसे आप समझ सकते हैं, चाहे वो PM इंडिया का YouTube चैनल हो, हर जगह पर जा करके और वैक्सीनेटर सहायकों के बारे में जो है कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी चीज़ का विरोध कीजिए या फिर ऐसी लैंग्वेज का आप प्रयोग करें कि आप फंस जाएँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि इतनी जो है सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा कार्रवाई हो जाए कि अगर आप अकेले किसी मुद्दे को उठाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कौन कौन सी धाराएं लगा दी जाएं आपके ऊपर, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कृत्य ना करें आप, लेकिन मानवता और शांतिपूर्वक जो है हम लोग अपनी मांगों को पूरा रखने का अधिकार रखते हैं, और इसी अधिकार के तहत मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि योगी जी, मोदी जी, आप सभी से निवेदन है कि वैक्सीनेटर और सहायकों की सैलरी जो है अब तो दे दीजिए, क्योंकि सालों हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आए दिन आप सभी समझ सकते हैं कि बिहार में जो है धरना प्रदर्शन जारी है, और वैक्सीनेटर और सहायक आप देख सकते हैं पिक में भी धरना प्रदर्शन जो है निरंतर चल रहा है। आप एक बार जो है बिहार वाले वैक्सीनेटरों से आप बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा जो है उधर आक्रोश में है सब, क्योंकि बहुत दिन से वो लोग कार्य कर रहे हैं और इसका उनको कुछ भी मानदेय नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जो है जितने भी सत्ताधारी हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस मैटर को और इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाएं, ताकि वैक्सीनेटरों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। वरना अभी तो ठीक है आपकी सरकार है, लेकिन हमेशा कोई राजा ही नहीं रहता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं था मिथ्यू उत्तर प्रदेश से अंकुर तिवारी और आप देख रहे थे YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों लाइक डिसलाइक जो भी वीडियो को करना हो कर दीजिएगा, जो भी आपके सवाल जवाब हों वो आप लिख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों हमारा YouTube चैनल आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत।